आ रहा है आईपीएल का मिनी ऑक्शन, दुबई में सजेगी आईपीएल की मंडी, दिसंबर में होगी आईपीएल 2024 की नीलामी, तीन खिलाड़ियों पर जमकर बरसेगा पैसा। आईपीएल 2024 की नीलामी अगले महीने होने वाली है और ये नीलामी दुबई में हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि आईपीएल 2024 के लिए आईपीएल का मिनी ऑक्शन दुबई में अगले महीने से होगा और एक बार फिर से खिलाड़ियों की मंडी दुबई में सजेगी। ये पहला मौका है जब आईपीएल का ऑक्शन भारत के बाहर होने वाला है, तो ऐसे में ये ऑक्शन खास और जबरदस्त होने वाला है। आईपीएल के इस मिनी ऑक्शन से पहले सभी फ्रेंचाइजियों ने नीलामी से पहले अपने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट तैयार कर ली है। आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होने वाला है, मगर उससे पहले सभी फ्रेंचाइजियों को रिलीज और रिटेन्ड खिलाड़ियों की लिस्ट 26 नवंबर से पहले ही बीसीसीआई को सौंपनी होगी। ऐसे में सभी टीमें जो हैं अपने रिटेन्ड और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट बनाने में जुटी हुई हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईपीएल के इस मिनी ऑक्शन में कौन से होंगे वो खिलाड़ी जिन पर सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा बोली लगने की संभावनाएं हैं, और ये भी देखना जबरदस्त होगा कि कौन कौन सी टीमें इन खिलाड़ियों के पीछे भागने वाली हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो तीन खिलाड़ी जिन पर इस बार आईपीएल के मिनी ऑक्शन में लग सकती है सबसे ज्यादा बोली। फिलहाल भारत में वनडे वर्ल्ड कप खेला जा रहा है और इस वनडे के वर्ल्ड कप में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से कमाल करते हुए धमाल मचा दिया है। ऐसे में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए इन पर सबसे ज्यादा बोली लग सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं ये तीन खिलाड़ी। इस लिस्ट में पहला नंबर आता है रचिन रविंद्र का। न्यूजीलैंड के युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने कमाल का प्रदर्शन किया है। भारतीय मूल का ये खिलाड़ी शानदार बल्लेबाजी के लिए भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। रचिन रविंद्र ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने डेब्यू वर्ल्ड कप में 3 शतक और 2 अर्धशतक जमा दिए हैं, जबकि वो गेंदबाजी करते हुए 5-5 विकेट भी चटका चुके हैं। तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल के इस मिनी ऑक्शन में रचिन रविंद्र पर जमकर पैसा बरस सकता है, और इस बार रचिन रविंद्र पर आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी बोली लग सकती है। पिछली बार पंजाब किंग्स की टीम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सैम करन को 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि रचिन रविंद्र पर सैम करन से भी ज्यादा बड़ी बोली लग सकती है, और इस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए पंजाब किंग्स की टीम 19 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी रकम चुका सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार रचिन रविंद्र पर सैम करन से भी ज्यादा बड़ी बोली लगती है या नहीं। चलिए ये तो बात हो गई एक खिलाड़ी की, अब बात कर लेते हैं दूसरे खिलाड़ी की। दूसरे खिलाड़ी जिन पर बड़ी बोली लग सकती है उनका नाम है अजमतुल्ला उमरजई। दूसरे खिलाड़ी जिन पर बड़ी बोली लग सकती है वो है अजमतुल्ला उमरजई। अफगानिस्तान के 23 साल के युवा ऑलराउंडर अजमतुल्ला उमरजई ने वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। अजमतुल्ला उमरजई ने मौजूदा वर्ल्ड कप में 3-3 अर्धशतक जमाए और गेंदबाजी करते हुए 7-7 विकेट चटकाए, जिसकी वजह से इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियों में होड़ देखने को मिल सकती है। पंजाब की टीम इस युवा ऑलराउंडर के पीछे भाग सकती है, क्योंकि पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल 2024 के लिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहेगी। चलिए ये तो बात हो गई दो खिलाड़ियों की, अब बात कर लेते हैं तीसरे खिलाड़ी की। तीसरे खिलाड़ी हैं दिलशान मधुशंका। श्रीलंका के युवा तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका ने पिछले साल T20 में डेब्यू किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी गेंदबाजी से गहरी छाप छोड़ी। भारत में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 में भी दिलशान मधुशंका का जलवा देखने को मिला। उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 विकेट अपने नाम किए, जिसमें एक बार 5 विकेट हॉल और एक बार 4 विकेट लेने का कमाल भी किया। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो मधुशंका ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दिलशान मधुशंका पर भी बड़ी बोली लग सकती है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा जब आईपीएल की मंडी सजेगी तो दिसंबर में कौन से खिलाड़ी पर आईपीएल में सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगेगी। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इन तीनों खिलाड़ियों में से सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा बिकेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।